मैंने देखे बाहर मुल्कों में बड़े बड़े बादशाहों के महल देखे, वो बादशाह कब्र में चले गए और उनके महल सुने पड़े गरम दिला है। अपनी बादशाह की, अपने शाही महल्लात की एक ईंट भी साथ लेकर नहीं गया। आप चाहे गुलबर्ग में रह रहे हैं, डिफेंस में रह रहे हैं, अपना मेरा करूँ, दौलत आपके ने सीने में छुपा रखी है। मुसलमान चाहे रेड़ी लगाने वाला हो, अंदर की दौलत में सब बराबर है। मैं सऊदी अरब में रिया शहर में कब्रस्तान करीब से गुजरा, वहाँ कब्रस्तान में शाह फहद मरहूम और भी कई बादशाह वहाँ दफन वहाँ पर है। तो मुझे एक नौजवान तालिबे अपने सवारी में लेकर जा रहे, कहने लगे यहाँ तो ये बादशाह थे लेकिन कब्र की मिट्टी ने बादशाह और फ़कीर दोनों को बराबर कर दिया। सबकी खबर एक जैसी आ रहा है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाएँ, अल्लाह हम अपनी हैसियत को पहचाने कि हम कहाँ पर है और कहाँ पहुँचना है। ये लाहौर आपका घर नहीं, रह उधर है। यहाँ तो हम अल्लाह मियाँ को खुश करने के लिए आए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आए। हम अल्लाह मियाँ को खुश करेंगे, एक एक सांस में खुश करेंगे, अपने बोलने में खुश करेंगे, अपने देखने में खुश करेंगे, अपने सुनने में खुश करेंगे, अपनी खुशी गमी में अल्लाह मियाँ खुश करेंगे। यहाँ हम खुश करें, आखरत में खुशियों के समुंदर इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अल्लाह ताला सब को नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सब को नसीब फरमाए, अल्लाह खुशियों से भर दे और बरकतों से भर दे। आमीन आमीन।